साबका अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने उस विरुद्ध पंजाब पुलिस दे वल्लों दर्ज नशियां दे मामले च जमानत हासिल करन दे लई मोहाली दी अदालत दे विच अर्जी दायर कीती है। जानकारी अनुसार अपनी अर्जी दे विच मजीठिया ने कहा कि उस दे खिलाफ पुलिस दे कोल कोई सबूत नहीं है, इस लई उस नूं जमानत दित्ती जावे। अर्जी ते वीरवार अदालत दे विच सुनवाई हुई ते इस दौरान वकीलां दीआं दलीलां सुनन दे पिछों अदालत ने मामला सुरक्षित रख लिया। जिक्र योग है कि बीते दिन पंजाब पुलिस दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया दे विरुद्ध नशियां दे मामले च केस दर्ज किया गया सी, जिस दे विच अकाली दल दे समेत विरोधी पार्टियां वल्लों सख्त शब्दां दे विच निखेधी कीती गई अते इस नूं बदलाखोरी दी सियासत भी दस्सिया। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ कि उन्होंने विरुद्ध पंजाब चोणा 2022 के मद्देनजर FIR दर्ज की गई है। यह जमानत अर्जी साबका मंत्री के वकीलों के वलों दायर की गई है, जदों की वह खुद रुपोश ने अदालत दे विच सुनवाई दे दौरान मजीठिया दे वकील अते सरकारी वकील दे विच तिखी बहस भी हुंदी सामने आई है। मजीठिया दे वकील ने बहस दौरान कहा कि यह सिर्फ राजनीति करके किया जा रहा है अते STF दी रिपोर्ट दे विच वेख के साफ पता लगता है कि यह साजिश से तहत हो रहा है। उन्हें अगे कहा कि यह सारा कुछ उन्होंने क्लाइंट नूं जान बुझ के गलत ढंग दे नाल फसाया जा रहा है अते इस साजिश दे विच कई लोग शामिल ने। जेकर इस मामले दी जांच कीती जावे तां सब कुछ साफ हो जावेगा कि कौन कौन साजिश दे विच शामिल है। ओथे ही बिक्रम सिंह मजीठिया दी दायर अर्जी ते अदालत दे वलों एह फैसला राखवां रख लिया गया है अते अदालत दे वलों किसे भी समय अपना फैसला सुनाया जा सकता है।